जब किसी इंसान को प्यार होता है तो वह उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय होता है। लेकिन जब अचानक से रिश्ते टूट जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पल भर में सब कुछ ही खत्म हो गया। कुछ लोग तो इस सदमे को सह भी नहीं पाते, लोग गंभीर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वही कुछ को लगता है अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। ये एकदम सच है कि किसी भी रिश्ते का टूटना इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू है कि ब्रेकअप के भी कुछ फायदे होते हैं, किसी भी इंसान को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं। आज हम जानेंगे ब्रेकअप के इन्हीं फायदों के बारे में। ब्रेकअप का पहला फायदा है कि एक रिश्ता प्यार आपको बहुत सारी यादें तथा अनुभव देता है। यही अनुभव आपको पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनाते हैं, जिसके कारण किसी और से रिश्ता जोड़ने से पहले इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जिन बातों के कारण आपका पिछला रिश्ता टूटा था वह बातें दोबारा नहीं दोहराए। दूसरा कारण है कि ब्रेकअप होने का एक सबसे पॉजिटिव पहलू है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना। जहाँ पहले अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते थे, वही ब्रेकअप के बाद आप अपने पहले से ज्यादा स्थिर और मजबूत हो जाते हैं। तीसरा फायदा है कि रिश्ते के टूटने के बाद इंसानों को दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का पता चलता है, और वो ये है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और दुनिया में लोग तथा फीलिंग बदलती रहती है। पहली बार किसी को प्यार होता है तो उसे हमेशा यही लगता है कि प्यार जिंदगी में केवल एक ही बार होता है, और यही बात बार बार हर किसी को बताई नहीं जाती। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तब पुराने रिश्तों से लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है तथा फिर प्यार होता है, वह फिर से जिंदगी में बाहर आती है, जो दुनिया का एक दूसरा सच भी बताती है कि एक संसार में हमेशा चीजें बदलती रहती है। पांचवा फायदा है कि यह एक कड़वा सच है कि प्यार में पड़ने के बाद जाने अनजाने हमारे फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाते हैं तथा हम अपने दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जीवन केवल पार्टनर बन जाता है। यही वजह है कि ब्रेकअप होने के बाद सबसे ज्यादा धक्का भी हमें ही लगता है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद हम ढेर सारे दोस्त दोबारा से बना सकते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। छठवां कारण है, किसी भी रिश्ते में व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य पर ध्यान देने से समय नहीं होता तथा वह अपने लक्ष्य से पिछड़ता चला जाता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद हमारे पास समय होता है जिसे अपने हम लक्ष्य को दोबारा पूरा कर सके। सातवां ये फायदा है कि ब्रेकअप का एक मजेदार फायदा भी है, अब आपको उठपटांग सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, जैसे कि आप अभी कहा है घर कितने बजे पहुंचे, कितने बजे निकले, जैसे जवाबों के लिए अब आपको तैयार होने की कोई जरूरत नहीं। आठवां कारण है कि ब्रेकअप का एक मजेदार फायदा यह भी है कि आपको एक पॉकेट मनी सिर्फ आपकी है और आपको अभी कोई उपटांग खर्चा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अब आप अपने पैसों पर आपके ऊपर खर्च कर सकते हैं। नौवां फायदा है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट फिल्मों के मामले में हमेशा ही अलग अलग होता है, और खास तौर पर लड़के तथा लड़कियों के मामले में तो पसंद हमेशा उल्टी होती है, लेकिन ब्रेकअप के बाद एक दूसरे की फिल्में देखने से छुटकारा मिल जाता है। दसवां कारण है, ब्रेकअप के बाद अब आप आराम ही आराम कर सकते हैं, मतलब कि आप सोते सोते मैसेज करने की या एकदम सुबह सुबह नींद से उठकर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह आपकी है, जिस पर अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। अब आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं और जितना चाहे उतना सो भी सकते हैं। और एक आखिरी कारण है, अभी तक आप पंजाबी सॉन्ग, लव सॉन्ग या वेस्टर्न सॉन्ग से सुनते आ रहे थे, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद अचानक आपको मोहम्मद रफी तथा मुकेश को दुआएं देने का मन करेगा, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद इनके दर्द भरे गाने समझ में आने लगते हैं।